मुझे दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। पहले तो जो आपने ये जो ऑल्टरनेटिव दिए हैं, इसमें एक ऑल्टरनेटिव आप भूल गए। जब हाइपोथेटिकल चल रहा है और टेक्निकल फीजिबिलिटी चल रही है, तो एक ऑल्टरनेटिव और भी है कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस। कांग्रेस ने तो अपना समर्थन उनको घोषित कर ही रखा है। एनसीबी कह रही है कि हम सोच सकते हैं, तो वो भी एक संभावना हो सकती है। वो तो एक बात है। दूसरा, जब राम माधव जी का ट्विटर आ गया कि हमने नहीं मुलाकात की है, तो बार बार उस मुलाकात का हवाला देना मुझे लगता है शायद शायद ज्यादती हो रही है। तीसरी बात, मैं एक आपको बयान का सिग्निफिकेंस आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं, अमित शाह जी का, जिसमें कहा उन्होंने हमारी तीन प्राथमिकता स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, और हमारे लिए राष्ट्र हित पर सबसे सर्वोपरि है एक उपाय, तो विकास, डेवलपमेंट, और तीसरा रीजनल बैलेंस। सुधांशु जी, इसी पहली तीन बात को प्राथमिकता पकड़ते हुए मैं बढ़िया। ये कहता हूं कि अगर जी भारतीयता जी बहुत जी जरूरी है, राष्ट्र बहुत जरूरी है, तो पीडीपी को समर्थन करने की घोषणा आपकी पार्टी क्यों नहीं करती? पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई नहीं, है, आप क्यों ऑप्शन खोल के चल रहे हैं? आपने मैं एक और कह रहा हूं, देखिए आपने खुद ने कहा कि एक खंडित जनादेश है। खंडित जनादेश में भी एक विषमता यह है कि हम वोट प्रतिशत में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरह जम्मू कश्मीर में उभर के आए हैं। खंडित जनादेश होता है तो स्वाभाविक तौर पे एक हर संगठन ये कोशिश करता है कि वो राज्य को अपना नेतृत्व दे, जी ताकि जिन विचारों को लेके आप राजनीति में हैं उनका आप उनको जमीन पे उतार सकें और एक अच्छा प्रशासन दे ठीक है सकें। सर, तो जी, मैं फिर जो आज बयान अमित शाह जी का था उसकी तरफ आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। शायद जो बारीकियां हैं, कहीं हम लोग सब उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं चर्चा कुछ भी चल रही है। उन्होंने कहा स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, डेवलपमेंट एंड रीजनल बैलेंस, तीन अपनी प्राथमिकता बताई है। एक बात, मैं जैसे मनोहर जी का तो जो सुझाव है उसको एक सिरे से खारिज करता हूं कि बाहर से समर्थन देना चाहिए, उसका कारण बतलाता हूं क्या। आपने देखा होगा कि बाहर से समर्थित सरकारें जो हैं उनकी हमेशा राजनीतिक अस्थिरता रहती है। जम्मू कश्मीर को एक अस्थिर जी सरकार नहीं चाहिए, ना होनी चाहिए। अगर आपको उस राज्य में विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, तो ये तो मैं इस बात को तो बिल्कुल ही पहले एक चलिए, सिरे से ही एक खारिज बात करूंगा क्लियर हो कि गई कि ये तो बीजेपी सुधा सरकार में एक अब आएगी। आखिरी एक आखिरी एक आखिरी चीज मैं कह रहा था। तो मैं अभी नीम अफजल साहब का सुन रहा था, कह रहे थे हमने जब चुनाव लड़ा तो हमने पीडीपी के खिलाफ कहा कि ये बाप बेटी की सरकार है वगैरह वगैरह। मीम अफजल साहब, जब आपने भी ये चुनाव लड़ा था अभी, तो आपने कहा था कि नहीं, पीडीपी को चुनाव में जिताइए, बहुत अच्छी सरकार देंगे और ये बहुत अच्छी संगठन है। आपने उनके बारे में क्या कहा था? तो मीम मीम अफजल अफजल साहब साहब, जवाब दीजिए, आप चारों खुल के चुनाव लड़ चुनाव रहे थे, देने सही से बात कह रहे हैं पहले सुधांशु मित्तल, आप हाँ, जवाब आज जरूर तो दाता हूं। बताओ बातें करके फायदा क्या है। एक कहावत होती है, काजी जी शहर का अंदेशा। तो शायद जो है मीम साहब जो है उस अरे कहावत कमाल को कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे अंदेशा हैं। है तीन अब सौ सत्तर अच्छा रुपए मैं बोल रहा मेरी हूं, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, काजी जी क्या मतलब है, आप बोल दीजिए अंदेशा देंगे। मीर साहब आप क्या देखिए, तहजीब ये कहती है चलिए कि आप चलिए बोले चलिए, मैं चुप बोलिए रहा, मैं जब बोलूं तो आप चुप रहिए, आप ही बोलिएगा बीच में। बात देखिए, अभी मैंने इनसे पूछा कि आपने जिस समय चुनाव लड़ा था तो आपने कहा था पीडीपी को जिताओ, तो उस बात पे तो चुप हो गए। क्यों? क्योंकि ये कुतर्क कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं होगा पीडीपी का या एनसी का भाजपा के साथ। इनकी याद ताजा करवा देता हूं, एनसी हमारे साथ गठबंधन में रह चुकी है और पीडीपी के साथ भी हमारा संबंध रहा है। तो हुजूर, उनको उनकी चिंता कर लेने दीजिए, आप अपनी चिंता करिए कि कहां जी, से कहां पहुंच गए। वही जम्मू नहीं, रीजन मैं जहां देखिए, पे मैं कि ये आप समित जी, मेरा कहना है ये जितनी चर्चा करी जा रही है यहां पे, ये तथ्यहीन चर्चा है। क्योंकि अभी राजनीतिक स्थिति में सारे विकल्पों के बारे में विस्तृत चर्चाएं होंगी, विस्तृत बातचीत होगी, और जो इन्होंने समीर जी ने कहा वही उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है सवाल तो कि यही है नॉन सुधांशु जी, करप्टेबल विकास ओरिएंटेड। सुनिए सुनिए सुधांशु सुनिए, जी, एक सेकंड, आप मेरा हाँ मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप लोग
नॉट जंपिंग द गन ना, वी आर नॉट जंपिंग द गन, के चल रहे हैं कि एक तरफ जा रहे हैं, वी आर नॉट जंपिंग द गन। बीजेपी को ये बोल देना चाहिए था हम नंबर दो की पार्टी है, हम नंबर दो पे रह के खुश है, पीडीपी को सरकार बनने का मौका मिलना चाहिए। आप नहीं बोल रहे हैं, आपको क्या पता मतलब आप ऑप्शन ओपन रखे अपने चीजों को। मैं ना विकल्प 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 में एक और चीज समझिए, सरकार बनेगी कैसे, बनेगी किन एजेंडा पे बनेगी, कैसे चलेगी, क्या व्यवस्था है आप।